इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अब उनकी सांसद सदस्यता रद्द की गई है। सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया है। इस मामले में उन्हें 2 साल की भी सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दी गई थी। इस फैसले के बाद ही उनकी सांसद सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे, क्योंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वे ऐसे में उनकी सदस्यता सांसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद भी वह 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकते। हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से इन्हें राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।